डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। जी हाँ, बिल्कुल। आज आप देखेंगे डीएलएड की फोर्थ सेमेस्टर की क्लास में आगे का चैप्टर, जो कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ इसमें सीख लिया है। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगर कोई संख्या माइनस में दी गई है तो उसका घनमूल कैसे करते हैं, यानी कि माइनस वाली संख्याओं का घनमूल कैसे होता है। ऊपर चमक रहा है क्या थोड़ा सा? देखिए, हमने हेडिंग लिखा है पूर्ण घन ऋण पूर्णांकों का घनमूल। पूर्ण घन ऋण पूर्णांकों का घनमूल, ठीक है। कोई नामुमकिन सी बात को तो मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, लाखों की भीड़ में तू अलग चलकर तो दिखा। जी हाँ, बिल्कुल। अपनी पहचान बनाने के लिए आपको अपना प्रचार करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस कुछ अलग करने की ज़रूरत होती है, और वो अलग कार्य आप कर सकते हैं हमारे साथ अगर निष्ठा से पढ़ाई करें तो। चलिए, पूर्ण घन मतलब अब आप समझ गए होंगे, जैसे परफेक्ट स्क्वायर होता है वैसे परफेक्ट क्यूब होता है। तो इनका घनमूल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कुछ एग्जांपल से आप समझ लीजिए। जैसे -8 का अगर हम क्यूब करें तो इसका मतलब होता है -8 × -8 × -8 तीन बार, क्लियर। अब क्या होगा फाइनल में? फाइनल में ये होगा कि आप इसका गुणा करोगे 8 × 8 = 64 × 8 = 512, और ये फिर आपको माइनस में 512 मिलेगा, है ना? माइनस में 512 मिलेगा ना। इसको आप सभी लोग करके खुद से अजमा करके देख सकते हो। उसके आगे अगर हम आपको एक और बात बताएं, इसी का अपोजिट आता है, अगर ये 512 को हम माइनस में ऐसे अंदर में लिखें और इस पर क्यूब लगाएं, मतलब अब आप समझना इसको हमें क्या करना है, अब इसका हमें घनमूल निकालना है। तो आप घनमूल निकालोगे तो फिर क्या आएगा, 8 आ जाएगा। बात समझ में आई? यानी जैसे हमने यहाँ पर -8 का क्यूब करके -512 लाया था, वैसे अगर आप इसका घनमूल करोगे तो फिर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे 3 का घात हमने 3 लिख दिया, तो इसको आप लिख सकते हो -3 × -3 × -3 गुणा कर लोगे, -27 आ जाएगा। इतना बात समझ में आई? और अगर आप यहीं पर कहीं खुदा ना खास्ता -27 का घनमूल कर दिए तो फिर से ये -3 हो जाएगा। एक बात यहाँ से क्लियर हो गई कि अगर आप किसी भी संख्या का क्यूब करते हैं तो जो आता है उसका अगर आप क्यूब रूट निकालेंगे, यानी कि घनमूल निकालेंगे, तो फिर वही संख्या आ जाती है। देखो, -8 का क्यूब किया था, 512 आया था, 512 का क्यूब निकाला तो फिर -8 आ गया। उसी तरह से देखो, 27 का भी हो गया। नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात क्लियर है ना। आगे चलें, कोई दिक्कत होगी निसंकोच बोलना। तो साथियों, ये तो था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें का, इसको आप लिख लिए ना, ठीक है। इधर साइड में तो जगह है तो हम मिटाएं काहे लिए, हाँ इधर देखना साइड में। व्यापक रूप से इसी प्रकार यदि -1 एक पूर्णांक है, यहाँ लिखो, इसी प्रकार एक फार्मूला समझ लीजिए सभी कार्य के लिए। इसी प्रकार यदि -x एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है, और आगे लिख लो, तथा जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो, मतलब x 0 से बड़ा हो, छोटा ना हो, तो वही जो अभी आप पाए थे -x का क्यूब इक्वल -x का क्यूब करोगे तो वही -x का क्यूब आएगा, है ना, ये तो आएगा ही। लेकिन एक बात ध्यान देना, -x का क्यूब करने का मतलब है कि आप x को 3 बार गुणा करो माइनस में, -x × -x × -x, ये 3 बार होगा। इतना समझ में आया ना? अब आप इसके आगे समझना, फाइनल में जो गुणा कर लोगे तो x का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अरे जी, वैसे हो जाएगा जैसे यहाँ पर देखो होता था ना, 27 वाला, है ना। तो यानी आप इसके बराबर इसको ले आए, हो गया ना बराबर। अब इसे आप शॉर्ट में लिख लो, अगर इसका क्यूब निकालोगे -x का तो बराबर क्या आएगा, -x है। बात समझ में आई ना? ये हो गया व्यापक रूप। इसके बारे में हम आपको एक तथ्य बताएंगे, उसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं। देखते रहिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, देखते रहना है, ठीक, क्लियर। चलिए,
कहाँ तक हो गया? ये हो गया, अगला देखना। अगला क्या है इसमें, इसको मिटा देते हैं, आप लोग भी जल्दी से कर लो, और जिन लोगों ने नहीं लिखा वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें पीछे करके वीडियो को, ठीक ना? स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, क्योंकि यहाँ लिखने के लिए इतना लंबा टाइम नहीं होता कि आप लोग लिखोगे और हम खड़े रहें। वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए, अभी आपको सब दिखेगा जो मिटाया गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई सहायता चाहिए, नहीं हो रहा है आगे पीछे, तो आप नंबरों पर संपर्क करिए। देखिए इसमें हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, वो क्या है? पूर्ण घन ऋण पूर्णांक का घनमूल ऋण पूर्णांक होता है। इसे पूर्ण घन ऋण पूर्णांक के निरपेक्ष मान के घनमूल के पूर्व ऋण लगाकर लिखा जाता है। मतलब उसी बात को बता रहे हैं जो अभी आपने देखा। कह रहे हैं कि किसी भी पूर्ण घन ऋण पूर्णांक, पूर्ण घन और ऋण पूर्णांक संख्या का घनमूल एक ऋण पूर्णांक होता है। जैसे 27 एक क्या है, -27 क्या है, एक पूर्ण घन ऋण पूर्णांक संख्या है। इसका घनमूल निकालोगे तो -3 आएगा, जो कि एक क्या है, ऋण पूर्णांक है। बस यही कॉन्सेप्ट लिखना था, लिख लो। किसी भी पूर्ण घन ऋण पूर्णांक का घनमूल हमेशा एक ऋण पूर्णांक संख्या होती है। ये हो गया कॉन्सेप्ट इसमें का। इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सम और विषम की विशेषता बताइए, घन किसे कहते हैं, वर्गमूल तथा घनमूल की अवधारणा बताइए। ये सभी सवाल इसमें से आपसे पूछे जा सकते हैं। इसको आप लोग करके लेके आना, और अगर कोई दिक्कत होगी तो उसे बता देना, ठीक है? तो हम आपको इसमें थोड़ा सा विशेषता वाला भी बता देते हैं, उसको भी देख लो सभी लोग। सम और विषम की विशेषता वाली जो बात है उसको भी देख लीजिए। सम और विषम की विशेषता देखिए, आप लोग ऑलरेडी इसमें से बहुत कुछ जानते हैं, काफी समझदार हैं, है ना? सम संख्या जिसे बोलते हैं, आप सभी लोग इससे परिचित हैं बहुत ही बचपन से। इसे इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है कि किसी भी सम संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो जो उसका उत्तर आता है वो एक सम संख्या ही होती है। जैसे देखो इधर, 2 का स्क्वायर किया तो क्या आया, 4 आया, और 4 क्या है, एक सम संख्या है। 8 का किया, 64 आया, एक सम संख्या है। 6 का कर लो, 36 आएगा, एक सम संख्या होगी, ठीक है? ये सम संख्या की पहली विशेषता हो गई। हाँ, विषम का भी साथ साथ में कर लो, अगर 1 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा, 1 आएगा, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आएगा, 5 का स्क्वायर किया तो 25 आएगा, 7 का स्क्वायर किया तो 49 आएगा। यानी कि किसी भी विषम संख्या का अगर आप वर्ग करते हैं तो एक विषम संख्या प्राप्त होती है। बात क्लियर हो गई ना? ठीक है, तो नोट करिए, जल्दी करिए, हो गया ना? चलिए आप लोग बातों को साथ साथ में लिखते चलें। 2 लाइनें लिखिए, किसी भी सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होती है, किसी भी विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होती है। हाँ, अगर जो सम विषम है वो भी क्या होगी, सम विषम संख्या होगी। तो यहाँ पर एक बात देखना, और एक बात और क्या देखना है उसको भी यहाँ समझ लेना, वो ये है कि किसी भी अगर सम संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है, बताइए। किसी भी सम संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो वो क्या आता है? चलो ठीक है, जैसे हमने ले लिया 16, 16 का वर्गमूल 4 होगा। हमने ले लिया 144, सम संख्या है इसका 12 होगा। हमने ले लिया एक संख्या 169, इसका वर्गमूल 13 होगा। यहाँ से आप एक बात कंफर्म कर लिए होंगे, क्लियर हो गई होगी कि जो सम संख्याएं हैं उनका वर्गमूल हमेशा सम संख्या होगी, और विषम संख्याओं का वर्गमूल हमेषा क्या होगा, एक विषम संख्या होगी। यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए, 16 एक सम संख्या है इसका वर्गमूल सम आया, 144 सम संख्या है इसका वर्गमूल 12 जो है क्या आया, सम आया। 169 विषम संख्या है इसका वर्गमूल 169 क्या आया, एक विषम संख्या आया।
इस तरह से आप कोई भी नंबर ले लो, 36 ले लीजिए, 36 का क्या करोगे वर्गमूल करोगे, 36 एक सम संख्या इवन नंबर है, इसका वर्गमूल 6 आएगा, 6 भी एक सम संख्या है अर्थात इवन नंबर है। बात पूरा हुई ना? अगर कोई सवाल है, कोई झिझक है आपके मन में, तो उसे आप पूछ सकते हो। इस तरह से आपने देख लिया कि घन यानी कि ऋण पूर्णांकों का घनमूल देख लिया ना। अगला टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे, देख लो उसको भी, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल करना। क्या देखेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल करना। हेडिंग लिखिए, जैसे बोले वैसे तुरंत लिखिए, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल करना। देखिए वीडियो रुक नहीं रहा बिल्कुल, नॉट रिस्पॉन्डिंग भाई, बिल्कुल नहीं रुकेगा ये। नॉट रिस्पॉन्डिंग मतलब जान रहे हो काहे लिए बोल रहे हैं, क्योंकि रोकने वाला ऑप्शन नहीं आ रहा इसमें, नॉट रिस्पॉन्डिंग कर रहा वो। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, देखो कक्षा 8 में इसको जीरो लेवल में हम पढ़ा चुके हैं, कुछ लोगों को लग रहा होगा पुराना है। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल तो उनको नया लग रहा होगा। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या या परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। जैसे अगर हम आपको बोलें कि अंडर रूट 16 है, तो इसका वर्गमूल आप बता दोगे खटाखट 4 हो जाएगा। अंडर रूट अगर 81 है, तो इसका वर्गमूल प्लस माइनस 9 हो जाएगा। अंडर रूट 49 है अगर, तो इसका वर्गमूल प्लस माइनस 7 हो जाएगा, है ना। ये सभी क्या हैं? ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। लेकिन अगर हम बोलें कि अंडर रूट 17 का बता दो, और इतना ही नहीं 81 के जगह पर अंडर रूट 80 का बता दो, 49 में एक ठीक बढ़ा लो अंडर रूट 50 का बता दो, बताइए क्या इन संख्याओं का वर्गमूल आपके पास है? बोलिए है नहीं है, सीधा सीधा वर्गमूल नहीं होगा, चूंकि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इनका वर्गमूल सीधा सीधा निकालना संभव नहीं है। ये 81 नहीं सॉरी 80 लिखो इसको, ठीक ना। तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। इनकी परिभाषा कैसे दोगे? देखिए परिभाषा ऐसे बनेगी, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करके उनके दो दो के जोड़े बनाए जाएं और उसके बाद कोई भी अभाज्य गुणनखंड शेष ना बचे, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करके दो दो अंकों के जोड़े, दो दो समान अंकों के जोड़े बनाए जाएं और कोई भी संख्या शेष ना बचे, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे अंडर रूट 16, इसके जो 16 के आप गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा मालूम है? ये 2 × 4 × 8 × 16, 4 बार आया ना, 4 बार आया। इसमें क्या करोगे, ये जोड़े बना दोगे, तो 2 इसमें से निकल गया, 2 इसमें से निकल गया, फाइनल में क्या आ गया, 4। यानी हमने क्या बताया था, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करके और उनके दो दो के जोड़े बनाए जाए, उसके बाद जोड़े बनाने के बाद यहाँ पे कोई भी नंबर सेफ ना बचे, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। देखो यहाँ पर कोई भी जोड़ा जो है वो सेफ नहीं बचा है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर हम बात करें 15 की, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 3 × 5 आएगा, आएगा ना। क्या 3 और 5 के जोड़े बनेंगे क्या इसमें? नहीं बनेंगे, कोई जोड़ा नहीं बनेगा। 3 भी अकेला है 5 भी अकेला, इसमें कोई जोड़ा नहीं बनने वाला है। अर्थात ये क्या है, एक अभाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य नहीं, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और कोई भी नंबर लेके ट्राई कर लो, आपके ही हाथ में है। देखिए मैं एक आपको दिखा देता हूँ अच्छा सा एग्जांपल वाला। जैसे हमने 16 लिखा था ना, इन्हीं के पड़ोसी को ले लो ना, इन्हीं की आंटी अंकल को। आंटी अंकल मतलब जानते हो ना आप सभी, जानते हो ना। देखो जैसे 32, चलो 32 का ले लो। कैसे होगा ये, देखो ध्यान से, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 4 × 8 × 16 × 32, 2 2 के जोड़ी बना दो। कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बनाए जाने के बाद में कोई अभाज्य गुणनखंड शेष ना बचे,
तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। लेकिन 32 के अभाज्य गुणनखंड के जब दो दो जोड़े बन रहे हैं तो एक दो बच जा रहा है, अर्थात ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि ये उस नियम का पालन नहीं कर रही है। बात समझ में आई ना? आप लोग कमेंट करके बताना, जब ये क्लास अभी ख़त्म हो जाएगी फिर से देखना इसको, बता देना कि इस क्लास का समय सुबह 4 और 4:30 बजे जो है उसको 6 और 6:30 बजे कर दिया जाए क्या? बताइए, सुबह 6 और 6:30 बजे कर दिया जाए क्या? जवाब दीजिएगा। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। और हाँ, इस क्लास को आप टाइम के बाद कभी भी देख सकते हो, ये मत सोचना कि समय बीत गया तो हम नहीं देख पाएंगे। हाँ, हो सकता है आपको बाद में ना मिल पाए, ये मुश्किल हो सकती है, बल्कि और कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। आप इस क्लास को जब चाहो तब देख सकते हो बाद में भी, ठीक ना? आगे चलें। तो ये हो गया आपका पूर्ण वर्ग संख्याओं के जोड़े बना करके निकालना, और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है उसका भी हमने आपको बता दिया, ठीक ना? आगे देखना, गुणनखंड विधि से, हाँ गुणनखंड विधि से वर्गमूल करना पूर्ण वर्ग संख्याओं का। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल करना, ये आपको बता दें, चैप्टर आपका जो ये वर्गमूल वाला शुरू हो गया ना, तीसरा चैप्टर शुरू हो गया। अब वर्गमूल करना, 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए, कुछ होते हैं बेवकूफ और कुछ होते हैं ना महाबेवकूफ, तो ये महाबेवकूफों में भी कुछ जुड़ जाते हैं उस टाइम पर, वो जब तक डंडा किए रहते हैं जब तक फोन उठाया ना लो तब तक, और इनको मालूम है कि टाइम बताया गया है उस टाइम पर किया करिए। आज महेंद्र सर जल्दी चले गए हैं तो ये फोन हमारे पास में ही बज रहा है काफी देर से, मैंने कई लोगों को समझाया भी लेकिन जब अकल आए तब ना। वर्गमूल बताओ, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको इसका वर्गमूल बताना है 64 का, चूंकि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हमने क्या लिखा है, 64 का वर्गमूल बताओ। देखिए यहाँ पर चमक रहा है ना, तो मैं नीचे लिख देता हूँ बताओ, ये लो आप तो टेंशन फ्री हो ना। इसका क्या करना है, वर्गमूल बताना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से मतलब हम ऐसे पहले इसको काटेंगे 64 को, 2 से काटोगे 32 आएगा, फिर 2 से काटोगे 16 आएगा, फिर 2 से काटोगे 8 आएगा, और फिर 2 से काटोगे 4 आएगा, और 2 से काटोगे 2 आएगा, और फिर 2 से काटोगे 1 आएगा। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि का यही मतलब होता है, 64 का वर्गमूल निकालना, इसको सामने लिख लो, फिर इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनको ऐसे सम्मानजनक तरीके से उतार लीजिए, ठीक ना? देखो 3 3 6 6 बार ना, क्लियर? अब 2 2 के पेयर बनते हैं, जोड़े बनते हैं, यहाँ से आप 1 2 लोगे, यहाँ से 1 2 और यहाँ से 1 2, 2 2 4 2 8, ये देखो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब समझ लेना आप सभी, कहने का मतलब ये है कि आपने पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना सीख लिया। अब कोई बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है, किसी भी प्रकार का नंबर है, उसे आप आसानी के साथ खुद से कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, है ना जी? हो जाएगा ना, कोई झंझट कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। जल्दी नोट करिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलो ठीक है। इसमें अब हम आपको कोई बड़ा नंबर भी दे देते हैं। कुछ लोगों के दिल में ये सवाल आ रहा होगा, कमेंट भी कर रहे हैं कि हम आप कान में ईयरफोन काहे लगाए, है ना? उसका कुछ टेक्निकल इशू ये था कि जो माइक्रोफोन हम हाथ में लिए हैं इसकी आवाज़ कभी कभी छोड़ देता है, रिकॉर्ड नहीं होता है, तो उसी बात को समझने के लिए आज हमें इसको टांगना पड़ा है कान में, ठीक ना? बाकी कोई म्यूजिक नहीं सुन रहे। हाँ, अगला क्वेश्चन इसमें नोट करिए आप लोग। कुछ परिमेय संख्याएं होती हैं जो कि पूर्ण वर्ग तो हैं लेकिन इनका वर्गमूल कैसे करते हैं, ये बड़ा लफड़ा होता है ना? तो क्वेश्चन लिख लो, 256/441 का वर्गमूल जैसे उसका किया था,
जैसे उसका किया था वैसे इसका भी होगा वर्गमूल। कैसे होगा ध्यान देना। देखिए मित्रों, इसका वर्गमूल कैसे होगा, इसमें आपको अलग अलग दोनों का करना होगा। मतलब 256 का अलग गुणनखंड करिए और 444 का अलग करिए। तो आप जानते हो 25 25 आम में होता है क्या? अरे वही जी, 25 का जो है 625 होता है। तो ये 256 किसका आता है? वैसे तो मैं निकाल दूं तो ये 16/21 आएगा, लेकिन कुछ लोगों के पल लेना पड़ेगा ये 16 कहाँ से आ गया। तो इसका नियम देखो विस्तृत ये होता है, पहले आप 256 को काटिए अलग अलग, ठीक है? तो हमने 2 से काटा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8। अब 6 बार 2 और आएगा, लिख देता हूँ ये देखो, 2 से 32, फिर 2 से 16, और फिर 2 से काटा 8 आया, फिर 2 से काटा तो 4 आया, और फिर 2 से 2 आया, और फिर 2 से काटा तो 1 आया। देखो यहाँ पर 3 एक 4, 8 बार कटा है ना 2 2 से, तो यहाँ पे आप लिखोगे 8 बार 2 2, ये 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर? नीचे क्या लिखोगे, 444 का गुणनखंड कर लीजिए। 444 का गुणनखंड करने में आपको काफ़ी झंझट आएगा, चूँकि ये ऐसे आसानी से आने वाला है नहीं। तो 444 जो संख्या कटेगी वो 21 से ही कटेगी, 21 21 आम में 444 होता है, बाकी और ये किसी नंबर से नहीं कटती है। तो इसके गुणनखंड हो गए 21 इंटू 21, ये दो जोड़ा बन गया, ये ऊपर से देखो 4 जोड़े बने हैं, नीचे एक जोड़ा बना है, फाइनल में 16/21 इज द राइट आंसर। प्लीज नोट वेरी फास्ट एंड गो आगे। आगे मतलब इंग्लिश बताना कमेंट करके क्या होता है। आगे ना इतना हो गया, हाँ तो ये हो गया पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल करना गुणनखंड विधि से। देखो आप कोई बड़ी संख्या होगी आप लोग कर ले जाओगे। हाँ एक लफड़ा वाली बात आपको ये बता दे इसमें झंझट वाली, वो क्या होता है कि जैसे बट वो तो अगर पूर्ण वर्ग होगी तो बनेगा ही, किसी किसी संख्या में अगर सभी संख्याओं के जोड़े नहीं बनते हैं तो कैसे निकालते हैं, लेकिन वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी अगर जोड़ा नहीं बनेगा तो। और हमारा टॉपिक है पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, मतलब इसके अंतर्गत आपको जो संख्याएं मिलेंगी वो सभी परफेक्ट स्क्वायर होंगी, यानी कि उन सभी के जोड़े सलामत बने रहेंगे। आगे देखना, अगला का बताना है पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से भिन्न का वर्गमूल। तो भिन्न का तो बता दिया ना 256 वाला, एक और बता दूं क्या, एक और बता दूं, परिमेय संख्या का वर्गमूल भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। भाग विधि वाला अगले दिन बताएंगे, लेकिन हम आपको कुछ यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, इनको घर से करना आप लोग। चलो जल्दी फटाफट 16/64 सवाल नंबर 2 लिख लो फटाफट। सवाल नंबर 3 इनको हल करके दिखाना, इसे हवा में मत लिख लेना, ठीक ना? ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, होमवर्क जरूर करना, नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ईमानदारी के साथ करना, एकदम 100% ईमानदारी के साथ, एकदम छोटा छोटा दे रहे हैं, एकदम छोटा छोटा, एकदम हलुआ, बस रखना और गटक जाना। आ रहा समझ में ना? हाँ तो लिख लो फटाफट। और का नंबर है कुछ, इसमें से नकल कर लेते हैं, टीपिंग चीटिंग कर लेते हैं। लिखिए लिखिए लिखिए, 1849 इसका भी कर लेना, नकल कर रहा हूँ कहीं से। क्वेश्चन नंबर 7, 121 गुणा 100
क्वेश्चन नंबर आठवां, 144 गुणा 144, ये जो दो बार है इसका कर लोगे कि नहीं ये मत सोचना कि 144 गुणा 44 दोनों का जोड़ा बना लें तो इसका उत्तर 144 आ जाएगा, वो तो ठीक है, आपको इनका अलग अलग वर्गमूल करना होगा, 12 गुणे 12 144 फाइनल में आएगा तब भी ना। हाँ तो मतलब समझना, ये आप सभी के लिए होमवर्क है। तो आज का ये जो क्लास है वो यहीं पर होगा ख़त्म, और आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो उसे आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हमने जानबूझकर बहुत अच्छी क्वालिटी में नहीं बनाया, चूँकि नया नया कैमरा से इसको हमने रिकॉर्ड किया है। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नंबर नोट करिए जिन लोगों को ज़रूरी है, नंबर जल्दी करिए, जो कंप्लीट क्लास घर बैठे पढ़ना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं, नंबर लिख लें व्हाट्सएप का और फ़ोन कॉल का नंबर। और हाँ, जिन लोगों को नहीं मंजूर है नियम और शर्त, वो बिल्कुल नंबर ना लिखें और बिल्कुल फ़ोन कॉल ना करें। नियम शर्त और सारा सिस्टम हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि आपको कंप्लीट क्लास के लिए 549 रुपये का पेमेंट करना होगा, फिर आप व्हाट्सएप पर सारी क्लास प्राप्त कर पाएंगे। ये फ़ोन पे का नंबर है, गूगल पे का नंबर है, पेटीएम भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस पे पेटीएम मत करना, पेटीएम का नहीं है। फ़ोन पे, गूगल पे और व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इन सभी जगह पर आप हमें इस नंबर से जुड़ सकते हैं, खोज सकते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास 4:30 बजे से अवश्य देखिएगा, फिर जीरो लेवल होगी, 5 बजे से 4:30 बजे से सेकंड सेमेस्टर का होगा, 8 बजे से कक्षा 10 की NCERT गणित होगी, और उसके बीच में और भी कुछ क्लासें होंगी, तामझाम जो भी होगा उसको आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा, सब मालूम चलेगा। चलते हैं, जय हिंद जय भारत, आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। कोई सवाल है तो उसे कमेंट करना, पूछना जरूर, बिना पूछे मत जाना, आपका हक है, अपना अधिकार का प्रयोग करें।